वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ मैं रिपल के XRP टोकन की क्विक अपडेट। बताऊंगा आपको सारी न्यूज़ जो हुई है लास्ट 24 आवर्स में और करेंगे छोटा मोटा प्राइस एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा देखना यार और एंड तक देखना। और यस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो आओ इधर और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स का सबसे पहले पता लगे। डेली बेसिस में क्रिप्टो एनालिसिस होते हैं, हम बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज कवर करते हैं और यस सैटरडे संडे को बहुत सारी क्रिप्टोस और एक्स्ट्रा कंटेंट आता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, सीधे चलते हैं हम पहले रिपल की न्यूज़ पे। तो पहले आते हैं प्राइस पे, जो अभी प्राइस चल रहा है। प्राइस चल रहा है $0.4627 चल रहा है, जो कि अप बाय 1.71% है लास्ट 24 आवर्स में, 2.11% हो गया। मार्केट कैप आप देख सकते हो 2.11% से अप है और जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 45.43% से अप है। अब ये क्यों है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि आज न्यूज़ नहीं है, हम थोड़ा प्राइस के बेसिस पे बात करेंगे। तो अब हम जल्दी जल्दी न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं है, बट हाँ कई ऐसी हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आते हैं XRP का प्राइस एनालिसिस जो किया गया है अदर सिंह द्वारा। उन्होंने बताया है कि भाई XRP मेंटेन पोजीशन कर रहा है अपनी डिस्पाइट 25% नेगेटिव फॉल इन अ मंथ, एक महीने में 25% फॉल हुआ है। अब देखो बेसिकली अगर हम अपवर्ड राइजिंग चैनल में हो रहा है ट्रेड, लॉस 2.16% का था जब आर्टिकल लिखा है, बट XRP और BTC जो पेयर है वो काफ़ी अहेड है 5.46% से। अगर मैं अभी की बात करूँ तो XRP BTC पेयर थोड़ा सा डाउन 0.62% से डाउन है, बट यस जब ये आर्टिकल लिखा गया था पॉजिटिव में था। और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं XRP का बियरिश मोमेंटम प्राइस सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। सपोर्ट लेवल क्या है 0.39 है और बियरिश मोमेंटम इज प्रोसीडिंग। तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा हमको कि इनके अकॉर्डिंगली अब XRP का बियरिश मोमेंटम आ रहा है। अब ये देखो कब तक आता है, कहाँ तक आता है, वो हमको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो हम जैसे देख सकते हैं XRP का प्राइस अभी करेंटली 0.465 पे ट्रेड कर रहा था, तभी 0.45 पे था एंड जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है $0.5 है। तो मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। तो अगर हम पूरे आर्टिकल को सम अप करें तो देखो बेसिकली XRP इज लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव ब्रेकआउट। आप देख सकते हो इस साल XRP ने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट जो अभी का प्राइस है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है और वो रिवर्स हो सकता है, अप ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि आपको पता है XRP BTC पेयर अप पे था एंड इन्वेस्टर्स हैं तो वो अपने प्रिकॉशंस लें। और जो टेक्निकल लेवल्स हैं आप देख सकते हो, मेजर सपोर्ट लेवल 0.35 है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल 0.50 है। तो अगर 0.50 का बैरियर तोड़ता है XRP तो भाई ऊपर जाएगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। आगे काफ़ी एक मेजर न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि रिप्पल ने कहा है कि SEC ने कोई फेयर नोटिस नहीं दिया था रिप्पल को कि XRP वॉयलेट कर रहा है लॉ को। ये बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है इस सेक्शन में, क्योंकि आपको पता है SEC ने जो केस किया कि वो XRP उन्होंने सोल्ड की अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, $1.38 बिलियन का सेलिंग किया उनके ओनर्स ने, बट रिप्पल का कहना है कि उन्होंने कोई फेयर नोटिस दिया ही नहीं था SEC ने XRP को कि वो लॉ को वायलेट कर रहा है। सो अब ये किस वे में जाती है? देखो अगर हम एक वे देखें तो ये रिप्पल के ज़रूर पॉजिटिव्स में जाती है कि हाँ SEC, मैं आपको आगे बताऊंगा, मैंने आगे एक चीज़ पढ़ी थी कल कि अभी तक SEC प्रूव नहीं कर पाया है कि रिप्पल एक सिक्योरिटी है या नहीं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है और हम इसको आगे देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हुआ है जिसमें कि रिप्पल ने बोला है कि SEC ने कोई फेयर नोटिस नहीं दिया था कि XRP ने लॉ वॉयलेट किया है कोई। सो लेट्स सी भाई इसका आगे क्या बनता है। अगली न्यूज़ की बात करें तो देखो रिप्पल साइड्स टेट्रागन वर्डिक्ट टू स्ट्रेस XRP स्टेटस हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड। तो जैसे आपको पता है कि SEC ने, यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज कमीशन ने किया ये जो केस, बट देयर इज थिंग कि इनसे अभी प्रूव नहीं हो पाया है कि XRP इज़ अ सिक्योरिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हो रिप्पल ने अनाउंसमेंट की थी, ये इन्होंने बहुत किया था कि अभी तक प्रूव नहीं हो पाया कि XRP इज़ नो मोर अ सिक्योरिटी। ये देख सकते हो आप, जो रूलिंग जज था उन्होंने कहा है कि XRP इज नो मोर अ सिक्योरिटी आफ्टर द SEC इज फाइल्ड इंसॉल्वेंस एक्शन दैट इट वॉज बिफोर इट। आप देख सकते हो अब XRP सिक्योरिटी नहीं है जब इन्होंने ये फाइल किया है। अब हमको ये देखना पड़ेगा रिजॉल्व्स, अब हमको देखना पड़ेगा कि SEC कैसे रिजॉल्व दे पाएगा कि XRP एक सिक्योरिटी है या इन्वेस्टमेंट है। लेट्स सी अब जाके इसका रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले पता है इस चैनल पे अपडेट मिलती है। तो चैनल को करके रखो यार सब्सक्राइब और ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना। वापस आते हैं अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ प्राइस एनालिसिस है, जिसमें ये बताया गया है कि देख सकते हो अभी थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम चलने लगा था का, बट वो कह रहे हैं कि अगर XRP 0.50 का बैरियर तोड़ता है, ठीक है, तो रैली जाएगी 0.65 तक, बट
अगर ब्रेक 0.359 के नीचे गया तो प्राइस 0.25 तक जा सकता है। तो ये जरूर यार नोट करके रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकता है। अभी हम प्राइस की भी चार्ट पे बात करेंगे, आगे लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसमें SEC ने मोशन फाइल किया है कि XRP होल्डर्स की पिटीशन को वो डिसमिस कर सकें। अब ये अलग ही सीन चल रहा है कि अब SEC के जो हैं चेयर फॉर्मर एक्टिंग चेयरमैन एलन रोसमैन ने उन्होंने एक मोशन फाइल किया है जिसमें वो डिसमिस कर रहे हैं जो XRP के इन्वेस्टर्स ने किया हुआ था फाइल कंप्लेन की अमेंड SEC की वो उसका जो लॉ है उसको हटा सकें जो उन्होंने इवेंचुअली लॉ सूट किया है। तो क्योंकि आपको पता है इतना लॉस हुआ है लोगों का, मल्टी बिलियन डॉलर लॉसेज हुए हैं लोगों के इस चीज़ पे। सो बड़ा प्लस हमको ये भी पता है कि अब ये तो हमको पता लग ही गया है कि SEC अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कि XRP एक सिक्योरिटी है या एक वो है। सो ये एक अलग ही चल रहा है यार इशू। सो लेट्स सी इसके बारे में भी क्या रिजल्ट निकल के आता है। बाकी यार आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। आते हैं प्राइस पे। तो अगर हम पहले एक सेकंड आपके लिए मैं पेज कर दूँ भैया रिफ्रेश, पेज हो गया रिफ्रेश। अब बात करते हैं प्राइस की जिसमें आप देख सकते हो 1.7% से अप है, 0.4627 पे ट्रेड कर रहा है, 4649 हो गया ठीक है। देख सकते हो लोज 0.4521, 0.4707। जैसे कि मैंने आपको बोला था प्राइस स्टेबिलिटी गेन किया हुआ है और 0.02 के मार्जिन से नीचे नहीं गया, ना गया है उससे ऊपर। ट्रेड वॉल्यूम आप देख सकते हो 45% से डाउन है, 40.39%। इससे क्या मतलब है कि इससे ये है कि अब लोग इसको कर रहे हैं होल्ड, इन्वेस्टर्स हैं, उसकी मास सेलिंग नहीं हो रही अभी। जितना मेरे को दिख रहा है कोई सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है XRP के लिए, क्योंकि पिछले एक दो दिनों से SEC रिलेटेड भी XRP एक पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई सेलिंग प्रेशर तो नहीं लग रहा, ज़रूर बाइंग प्रेशर हो सकता है, लोग इसको बाय कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर पिछले दिनों आपने वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर चेकआउट करना प्लेलिस्ट पे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे स्कॉट वॉलेट से 140 मिलियन वर्थ XRP उन्होंने रिप्पल के वॉलेट में डाले, जिस जो कि यूज़ होता है फॉर सेलिंग पर्पस, ताकि उसको इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके स्टार्टअप पे या उसको मतलब एक्युमुलेट कर सके। सो वहाँ से भी जिन लोगों ने इसको खरीदा होगा, वेल्स ने, अगर वेल्स ने खरीदा होगा तो वो उसको होल्ड पे रख रहे हैं, वो उसको सेल नहीं कर रहे। सो एक पॉजिटिविटी ज़रूर है, बट 0.39 का लेवल देखना पड़ेगा कि वो उससे डाउन ना जाए। अगर 0.50 ब्रेक करता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 0.65 तक का रैली जाएगा। सो लेट्स सी कैसे जाता है यार, मैं तो वेट कर रहा हूँ। बाकी यार अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और XRP पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करो यार। बाकी आपको पता ही यार इस चैनल पे हम क्या करते हैं, मैं सारी न्यूज़ बताता हूँ आपको, पूरे रोज़ के अपडेट्स देता हूँ XRP के, और फिर हम एक एनालिसिस करते हैं मिलके, और फिर मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मैं अगर होता तो मैं इस कॉइन का क्या करता। सो अकॉर्डिंग टू मी कॉइन अभी होल्ड करने वाला है, ज़रूर ऊपर जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था एक न्यूज़ में कि बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, उन्होंने कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं दिखाया XRP पे। वो XRP को ज़रूर एक सिक्योरिटी बोलते हैं, बट उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि XRP शॉर्ट रन में काफ़ी ऊपर जाएगा, बट यस बहुत नीचे भी आएगा। सो लेट्स सी यार उनकी भी बात कितनी की सच होती है, हम सब नोटिस करेंगे। बाकी यार आपको पता ही है क्रिप्टोज़, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, क्रिप्टोज़ आर सब्जेक्टेड टू लॉसेज, गेंस भी होते हैं बट लॉसेज भी होते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता इन्वेस्ट करना, रिस्क आपको पता है आपका रिस्क है, आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें मत करें, कोई फोर्सफुल नहीं है। बट मैं आपको अपनी प्रेशियस मनी इसमें लगा के, मतलब ऐसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपनी प्रेशियस मनी इस क्रिप्टोज पे लगा के आप उनको लॉस पे डालो। बाकी यार यही था सारा XRP की अपडेट्स। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार अपने दोस्तों पे, और उनको बताओ XRP का क्या है। और यार देखो मैं हम आपके लिए रोज़ अपडेट्स लेके आते हैं XRP की और बाकी क्रिप्टो करेंसीज, तो प्लीज़ यार एक काम कर दो, वीडियो को दो काम करना है प्लीज़, एक वीडियो को कर दो लाइक और यहाँ पे आ गया चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन सारी मिले। यार हम डेली बेसिस पे इतना क्रिप्टो कवर करते हैं ना यार, अब देखो डेली बेसिस पे 3 वीडियोस तो आपको मिलती हैं। तो यार प्लीज़ एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो यार, और प्लीज़ बस इतना सा सपोर्ट कर दो, आपके सपोर्ट से ग्रो कर रहे हैं। एंड और यस कमेंट करके ज़रूर बताओ आप रिप्पल के बारे में क्या सोचते हो, और बाकी हम और वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। सो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यार।